India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10 दिन की सुनवाई के बाद कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दलील के दौरान वादी के वकील ने कहा, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लड़कियों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर सिंह बंधु को सुप्रीम कोर्ट ने दी अवमानना की सजा, 6 महीने की सजा और 5,000 लगाया जुर्माना। फोर्टिस पर ओपन ऑफर पर रोक बरकरार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यन जैन को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ईडी ने कहा, जैन की बीमारी फर्जी, जज ने की आपत्तियों की अनदेखी। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए उद्धव गुट के बाद शिंदे गुट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका, शुक्रवार को होगी सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं हिजाब विवाद की। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी कि शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकेंगी या नहीं। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हजीफा अहमदी ने दलीलों के दौरान कहा कि कर्नाटक सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। हिजाब मामले में 10वें दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या नहीं। मुस्लिम छात्रा की ओर से दुष्यंत दवे ने जवाबी पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने PFI का मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया था कि PFI ने सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने के लिए कैंपेन चलाया। दवे ने कहा कि सरकारी सर्कुलर में कहीं भी PFI का जिक्र नहीं था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका जिक्र किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भागीदारी के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए कहे गए हैं। इस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 3 तलाक और गाय की बलि के विपरीत कुरान में हिजाब का उल्लेख किया गया है और इसे पहनना मुस्लिम महिलाओं का फर्ज है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सरकार का हिजाब को लेकर तर्क ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। खुर्शीद ने कहा कि मुद्दा अंतरात्मा का है, संस्कृति का है, निजता का है। खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 25 के तहत अधिकारों को संतुलित रखने के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को परखने का अधिकार है। खुर्शीद ने कहा कि हालांकि हिजाब अनुच्छेद 51A का मुद्दा है और हम बता चुके हैं कि आर्टिकल 51A के तहत मिश्रित संस्कृति अपनाने का प्रावधान है, फिर भी विविधता का सम्मान नहीं किया जा रहा है। खुर्शीद के बाद हुजैब अहमदी ने दलील रखी। उन्होंने पहले कहा कि वे अपीलों का जवाब दाखिल नहीं करना चाहते, जबकि PFI के खिलाफ सीलबंद लिफाफे में चार्जशीट दाखिल करना चाहते थे। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सरकार चार्जशीट दाखिल करने को तैयार थी, फिर हमने सोचा कि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ये सरकार ने जमा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये हमारी मांग थी। अहमदी ने कहा कि सरकार अपनी पूरी दलीलों में कहीं नहीं बता पाई कि हिजाब पहनने के कारण किसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। मसला सुशासन नहीं, बल्कि ये प्रभाव वाले समूहों के आगे झुकने और धमकाने का है।
ये सरकारी आदेश अवैध है। कोर्ट में संजय हेगड़े ने दाग दहलवी का शेर पढ़ते हुए कहा, उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा करने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो। दलीलें खत्म होने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रही हैं, इसीलिए हिजाब बैन पर फैसला इससे पहले आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। दाइची रैनबैक्सी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की बेंच ने फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह बंधुओं को कोर्ट के आदेश की अवहेलना मामले में 6 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अपने फैसले में IHH के फोर्टिस पर ओपन ऑफर पर रोक को भी जारी रखा। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट से IHH और फोर्टिस स्टील पर फैसला लेने का आदेश देते हुए FHL, IHH और अन्य के बीच लेनदेन को देखने के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर हम पहले अदालत के रूप में इन मुद्दों पर निर्देश पारित करते हैं तो उनके पास कोई अपील का विकल्प नहीं होगा, इसलिए मामलों को पहले हाईकोर्ट तय करे। दरअसल सिंह बंधुओं ने 2008 में रैनबैक्सी को जापानी फार्मा कंपनी दाइची सेंक्यो को बेच दिया था। रैनबैक्सी की बिक्री से भाइयों को 9,576 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित लाभ हुआ। इस मामले में सिंह बंधुओं को परेशानी तब हुई जब दाइची ने उन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय अदालत में खींच लिया, जहां उन्हें सिंगापुर ट्रिब्यूनल ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला तो कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के द्वारा तय भुगतान न करने पर सिंह बंधुओं को जेल भेजने की भी बात कही थी। 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिंह बंधुओं ने फोर्टिस हेल्थकेयर में अपने शेयर बेचकर उसके आदेश का उल्लंघन किया है। सिंगापुर की ट्रिब्यूनल ने 2016 में सिंह बंधुओं को कहा था कि वो दाइची को 3,500 करोड़ रुपए दें। दाइची ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो सिंह बंधुओं से ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करवाए। अगले 20 सालों के दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 की अधिसूचना अधर में नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि फाइनल मास्टर प्लान अगले साल 30 अप्रैल को या उससे पहले जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा MPD 2041 की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए कट ऑफ तारीखें दिए जाने के बाद यह बयान दिया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 को दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में प्राधिकरण के सामने रखा जाएगा और दस्तावेज में कोई भी संशोधन दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह तक किया जाएगा। भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2023 तक मास्टर प्लान 2041 की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि भले ही दी गई तारीखें संभावित हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इन तारीखों का सख्ती से पालन किया जाएगा क्योंकि यह मामला अनंत काल तक अधर में नहीं रह सकता। हमें यकीन है कि अंतिम मास्टर प्लान 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले जारी किया जाएगा। पीठ ने कहा कि 24 अगस्त को सुनवाई की पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA और ASG के वकील को संबंधित विभाग से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था कि मास्टर प्लान को कितने समय में अधिसूचित किया जाए। मास्टर प्लान 2041 के मौजूदा ड्राफ्ट को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDA की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। 9 जून 2021 को इसका ड्राफ्ट जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। 75 दिनों के अंतराल पर DDA को इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर 33,000 से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले थे। सर्वोच्च अदालत के जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट से यह नहीं लगता कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। इसके साथ ही बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया द्वारा 2019 में भाजपा नेताओं सांसद मनोज तिवारी, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता और प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल
कथित रूप से भ्रष्टाचार में सिसोदिया की संलिप्तता के बारे में मानहानिकारक बयान दिया गया था। बयान में सिसोदिया पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। मामले की विषय वस्तु गुप्ता के ट्वीट्स का एक सेट था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में सिसोदिया की संलिप्तता पर लगभग 24 सवाल उठाए थे। ट्वीट का आखिरी हिस्सा था, आपका घोटाला सामने आ जाएगा अगर आप इन सवालों का जवाब देंगे। कोर्ट ने कहा, तीसरे पक्ष के रूप में हमने ट्वीट पढ़ा है, हमें वो प्रभाव नहीं मिलता। अगर हमें वो प्रभाव नहीं मिलता है तो प्रतिष्ठा को नुकसान कहां है। सुनवाई समाप्त होने के बाद बेंच ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से दायर अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अग्रवाल खनन कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन हैं, जो विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने जमीन मालिकों के लिए एडवोकेट प्रशांत भूषण और फाउंडेशन के सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम को सुना। अपने नवंबर 2010 के फैसले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था कि भूमि का कब्जा लेना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के भाग 7 के प्रावधानों के वैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। अदालत ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को धारा 4(1) और 6 के तहत लाभार्थी कंपनी के पक्ष में भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की अधिसूचनाओं और भूमि अधिग्रहण में पारित अवार्ड सहित रद्द कर दिया था। इसने आगे निर्देश दिया कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा संबंधित भूमि मालिकों को बहाल किया जाएगा, भले ही उन्होंने अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी हो या नहीं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि जब फाउंडेशन और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे तो पूर्व में एक निजी कंपनी थी। सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एक निजी कंपनी के लिए सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। उन्होंने प्रस्तुत किया, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को इसे सार्वजनिक कंपनी में बदलने के लिए केंद्र सरकार की लिखित मंजूरी की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली। जस्टिस शाह ने कहा कि क्या यह हाईकोर्ट के समक्ष कहा गया था, आप कुछ भी कह रहे होंगे, लेकिन क्या राज्य सरकार संतुष्ट है। सुंदरम ने कहा, सरकार ने कहा कि यह 5,000 एकड़ है जिसकी हमने पहचान की है, और फिर समझौता ज्ञापन में मैं कहता हूं कि मैं इसे वहां करने को तैयार हूं। बढ़ते आ गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन ने हाल ही में ईडी को पूछताछ के दौरान बताया था कि उनकी याददाश्त चली गई है। यह जानकारी एएसजी द्वारा ट्रायल कोर्ट में दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार देश के संविधान का अपमान कर रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और ऐसा कोर्ट में घोषित कर दिया जाता है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आशीष कुमार श्रीवास्तव की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई को एक विशेष अदालत से स्थानांतरित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आवेदन पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता द्वारा बाद में आदेश सुनाए जाने की संभावना है। एजेंसी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि शहर में स्वास्थ्य और जेल मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद जैन डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं और खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए जाली दस्तावेज प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकते हैं। राजू ने तर्क दिया कि जैन ने अपनी बीमारी को झूठा बनाया और खुद को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से चलाया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग करते हुए वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला जज की कोर्ट दाखिल की याचिका में कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा संख्या 75E और CPC की धारा 151 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त करने की बात कही। कोर्ट उस आयोग को 16 मई को ज्ञानवापी के
सर्वे में मिले शिवलिंग के निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए उसके नीचे की खुदाई और उपयुक्त सर्वेक्षण का रडार GPR करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा याचिका में कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच करने के लिए शिवलिंग की आयु, प्रकृति और अन्य की जांच को निर्धारित करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के मुताबिक कोर्ट द्वारा दिए गए समय के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के निर्देश कोर्ट ने जारी किए। दरअसल ये याचिका का माता श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने वाली महिलाओं द्वारा वाराणसी जिला जज की अदालत में ये याचिका दाखिल की गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। ठाकरे गुट ने परंपरागत रूप से इसी पार्क में रैली की इजाजत देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं शिंदे गुट इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर कर चुका है। इस बीच BMC ने दोनों गुटों को रैली की इजाजत नहीं देने को लेकर सफाई दी है। शिंदे गुट ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी जाए। आज सुबह मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद ठाकरे गुट ने याचिका में कुछ संशोधन के लिए वक्त मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने दोपहर को सुनवाई तय की थी, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के वकील के अनुरोध के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की। दादर से विधायक सर्वंकर अब शिंदे गुट में है। उन्होंने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट मामले में फैसला ना दे, क्योंकि इसका असल शिवसेना के कानूनी विवाद पर असर पड़ेगा। यह विवाद चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वंकर ने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। उधर ठाकरे गुट की ओर से पार्टी के सचिव अनिल देसाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस गुट को रैली की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने खुद को असली शिवसेना बताते हुए ठाकरे गुट को 5 अक्टूबर को परंपरागत रैली शिवाजी पार्क में ही करने की इजाजत देने की मांग की है। सर्वंकर ने कहा कि 30 अगस्त को उन्होंने भी BMC में आवेदन भी दायर कर मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में शिवसेना की सालाना दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। उधर देसाई का कहना है कि वे इसलिए हाईकोर्ट आए हैं क्योंकि BMC ने 22 अगस्त की उनकी अर्जी पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के लिए जालंधर की एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए एक पिता की आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया। पीड़िता की मां शकुंतला द्वारा अपने पति के खिलाफ दी गई आपत्तिजनक गवाही को खारिज करते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस NS शेखावत की पीठ ने कहा कि कथित घटना के समय उसका आचरण अप्राकृतिक था और उसकी गवाही अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। पीठ ने परमजीत सिंह उर्फ पम्मा बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक आपराधिक मुकदमा एक परिकथा नहीं है जहां कोई अपनी कल्पनाओं को मुफ्त उड़ान दे सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा था आरोपी के अपराध के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत को संभावनाओं, उसके आंतरिक मूल्य, सबूतों और गवाहों के आधार पर न्याय करना होगा। उच्च न्यायालय ने CRPC की धारा 374 के तहत दायर अपील में विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे तय किए। क्या अभियोजन द्वारा पेश किए गए भौतिक गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं? बी, क्या गुरप्रीत कौर की मौत थी या हत्या थी? क्या डंडा की बरामदगी आरोपी को अपराध से जोड़ती है या नहीं? पहले मुद्दे के बारे में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई गंभीर कमियां हैं और इसके गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरे मुद्दे के बारे में अदालत ने कहा कि शव का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया और केवल गवाहों की मौखिक गवाही के आधार पर यह मानना असुरक्षित है कि वर्तमान मामले में मौत हत्या है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर हैं और कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत हैं। अदालत ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए उसे आरोपों से बरी करने का आदेश दिया। तो कोर्ट्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।